मस्जिद के नाम पर 2.5 एकड़ जमीन कब्जा ली। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुलडोजर से कर दिया समतल, मजार से लेकर अवैध दुकान तक सब साफ। भिलाई रायपुर हाईवे पर था यह अतिक्रमण। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम की टीम ने मस्जिद के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। करबला कमेटी ने धार्मिक कार्यों के लिए मिली जमीन को बढ़ा कर अपनी पूरी दुकानें, मैरिज हॉल और मजार बना ली थी। नगर निगम की टीम ने सारा कब्जा हाईकोर्ट के आदेश के बाद में हटाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भलाई के जोन कार्यालय के पास बनी इस मस्जिद पर ये कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई रविवार को की गई थी। यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद था और इस जगह पर प्रतिबंध करने वाली करबला कमेटी ने नोटिस के बाद यहाँ से अपना कब्जा नहीं हटाया था। करबला कमेटी को 3 दिन पहले ही हटाने का नोटिस दे दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जब कब्जा नहीं हटा तो नगर निगम की पूरी टीम ने यहाँ पर पहुँच कर मस्जिद की 4 दीवारें, 5 दुकानें, 1 मैरिज हॉल और 1 स्वागत गेट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। नगर निगम ने इस कार्रवाई से 3 दिन पहले ही नोटिस भेज दिया था। आरोप ये है कि सन 1984 में मस्जिद के निर्माण के लिए करीब 800 स्क्वायर फीट की जमीन सरकार की तरफ से भिलाई रायपुर हाईवे पर मिली थी और इस जगह पर कमेटी ने दुरुपयोग करते हुए 800 स्क्वायर फीट की जमीन को 2.5 एकड़ की जमीन का बना लिया और पूरी तरीके से उस पर अतिक्रमण कर दिया। कमेटी ने यहां पर मस्जिद के बाद 1 मजार बनाई, 1 मैरिज हॉल बनाया और 5 दुकानें भी बना ली। इसके अलावा 1 मजार और भी बनाई गई थी और इन सभी पर नगर निगम का बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद में पहले भी कई बार शिकायत आ चुकी थी। मस्जिद के पास ही नगर निगम का कार्यालय है, उसकी जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यहां पर बुलडोजर चलाया गया है और आदेश पहले ही दे दिया गया था कि जल्द से जल्द कब्जा खाली करवाया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी यहां पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। उसके बाद में नगर निगम सीधा बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है और यहां पर कब्जे को पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है। इसी तरीके से देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए।